है ना मुकेश का, ये वाला निचला वाला भाग होता है, वाला ऊपर वाला है, ऊपर वाला जिसमें जो दांत होते देखिए ना, ये वाला दांत ये वाला होता है देखिए ना, ये वाला दांत हम इधर कठोर नहीं है। कितने दांतों की संख्या? दांतों की संख्या बस केवल दो तीन की संख्या में होता है इसमें दांत। ऐसे कि नीचे नीचे तीन है, अलग अलग नहीं है दांत, नहीं है इस जो हम लोग का ओठ वगैरह सब होता है ना वाला है, इसमें दांत नहीं होते, मतलब दांत होते केवल ऊपरी जबड़ा में होता है। लेकिन इसमें देखिए जो छिद्र दिख रहा है ना, इस वाला इसमें जो छिद्र है वाला, ये वाले दो सब इसके नासा छिद्र कहलाते हैं। यस सर, नासा छिद्र इसका कार्य क्या है? और जैसे हम लोग का होता नाक का, देखिए इसकी जीभ देखिए आप लोग, मैंने कहा था कि आगे की ओर लगी होती है, पीछे की स्वतंत्र होती है। जब किसी कीट को खाना होता है तो ये अपना जीभ को ऐसे बाहर निकालता है और इसी जीभ पर रखेगा, और जीभ पर रखने के बाद अंदर ले चल जाएगा, इसी जीभ पर रख करके कहाँ ले जाएगा अंदर, और इसकी जीभ ऐसे होती है, ठीक ना जी। तो जीभ अंदर की ओर खुली मतलब स्वतंत्र होती है, और बाहर की ओर क्या होती है, लगी होती है। देखिए देख रहे ना आप लोग जीभ को, इधर हम लोग का इस रूम हुआ था। अब देखिए इसके अंदर देखते हैं, एक चिमटी और कहाँ है चिमटी, जाओ जाओ मत लगा, रहने दो उन लोगों को, रहने दो रहने दो इधर देख रहे ना भैया, इसको जब मैं इसमें इधर देखिए मैं इसको डाल रहा हूँ, ठीक यस सर, इसको नहीं डाल देते पनिया खत्म है, जाओ पानी ला कर आओ, इसको देखिए इसको मैं डाल रहा हूँ, इसमें निकलेगा आप उधर में वाला करिए पतला बच्ची, ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक देखो इसी जब मुँह में खाएगा तो इसमें से उगाता है और इसी अमाशय में रहता है, ठीक अमाशय में चीर के भी दिखा देता हूँ, अरे अगर हाँ अमाशय को भाई देखिए, अब भाई सब जिसकी हाथ वाला भाग है ही, इधर इसका भाग होता है अग्नाशय, अग्नाशय से जब पतला जाता है, कट के निकाल लिया क्या, निकाल दिए थे ना, उसी में रुक जा रुक जा, ये वाला जो भाग है ना, हाँ इसी में पता होता है, ये वाला देखो ये वाला इसका अग्नाशय, ये वाला इसकी जो ग्रहणी होती है अग्नाशय रस, इसमें तीन प्रकार के नियम होते हैं, इप्सिन एमाइलोप्सिन और स्टीएप्सिन। बोले बच्चे बच्चे बोलो, जब हम लोग खाते हैं तो इसमें से जठर रस अग्नि रस किधर से होता है ना, इसमें बताओ।